हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कम किलर्स। आज हम बनाएंगे गार्लिक तवा नान। इसके लिए हमने लिया है एक प्याली आटा, कोरिएंडर लीव चॉप किया हुआ, गार्लिक चॉप कर लिया है, कर्ड लिया है एक प्याली, खाने का सोडा आधी स्पून और नमक लिया है आधी स्पून। तो चलिए इन सभी को हम मिला के गूंद लेते हैं। सारी चीज़ों को हम इसमें डालेंगे। पहले दही डालते हैं, खाने का सोडा और नमक, ये डाल के अच्छी तरीके से इसे हम गूंदेंगे। सारी चीज़ों को मैश करेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिल जाए। मैंने दही इसलिए डाला है कि नान सॉफ्ट रहे। फिर इसके बाद हम हल्का सा पानी डालेंगे। मैंने आटे को गूंद लिया है, अब इसे हम हाफ आवर के लिए रख देंगे रैप करके, रैपिंग रोल से पैक कर देंगे ताकि अच्छे से आटा सॉफ्ट हो जाए। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे नान बनाएंगे। सबसे पहले एक लोई काटेंगे ऐसे, फिर ऐसे थोड़ा सा खुश्की लगा के बेलेंगे और हम इस पे स्लैब पे हल्का सा गार्लिक छिड़केंगे, ऐसे बिछा देंगे और कोरिएंडर लीव, ताकि नान को बेलेंगे तो अच्छी तरीके से इस पे चिपक जाए। थोड़ी से लंबी में मैं बेल रही हूँ और आप चाहें तो इसे गोल भी बेल सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगाएंगे। इसे हमने बेला, इसके ऊपर हल्का सा वाटर लगाएंगे ताकि तवे में चिपक जाए अच्छी तरीके से। तो इसे हम चलते हैं तवे पर डालते हैं। तवा गर्म हो चुका है, इस पे हल्का सा पानी का छींटा देंगे ताकि इसका टेम्परेचर सही रहे और नान को इसे डाल देंगे, हल्के हाथों से चिपका देंगे। थोड़ी सी देर के बाद इसे हम पलटते हैं। ये नीचे का नान हो चुका है, देखिए बबल आ रहा है। अब इसे हम पलटेंगे और धीमी आंच तक रखेंगे इसको। देखिए नान तैयार है, अब इसी तरह सारे नान को हम तैयार करेंगे। सारी नान तैयार हो चुकी है, अब इसमें हम बटर लगाएंगे। मैंने सिर्फ आटे का बनाया है, आप चाहे तो इसमें मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से सारे नान पे बटर लगाएंगे ताकि सॉफ्ट रहे। गार्लिक तवा नान तैयार है। आप इसे चिकन, मटन या वेजिटेबल किसी भी चीज़ से खा सकते हैं और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।